भी लग गया और मेरा वूफर भी आ गया भाई फ्लिपकार्ट। चप्पल देखो कितनी बड़ी बड़ी है। अरे ये तेरा काट गया ये मैं अपनी है भाई मैं अपना है भाई। बात क्या है ये अमित है मेरी मासी का लड़का है अमित ये सोशल वर्कर है भाई अपने गांव में ही। देखो जिसको है ना सोशल वर्क करना है वो अपने गांव में भी कर सकता है उसको शहर में जाके इंडोरा पिटने की जरूरत नहीं है। अब ये पहले तो ये दिखा दूंगा आपको ये यहाँ पे ये लाइन में पेड़ लगे हुए ना यहाँ पर गाँव के लोग कचरा फैला के रखते थे इसने पूरे गाँव से लड़ाई करके ये सारा कचरा उठवाया और यहाँ पे पेड़ लगवाए जाल लगवाए सब कुछ अपने पैसे से लगवाया सब कुछ। हाँ जी सर अपने पैसे से सब कुछ अपने पैसे से है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किसी का नहीं है कंट्रीब्यूशन एक दो मेरे सपाटी वो मेरे सहयोग करते हैं इसके अंदर काम मतलब कि काम हाथ वो छुट्टी छाटी हो तब आ जाते हैं और किसी का पैसा कुछ नहीं लगा सर कपड़ा देखो भाई कितनी बढ़िया बात है। अब देखो अंदर है असली कमाल तो वो देखेंगे मैंने लगाया सर 700 रुपए के पौधे में लिया हूँ सर। अच्छा हाँ ये देखो भाई ये सब कुछ ये अमित ने कर रखा है और मैंने शौक है सबसे बड़ा मेरे फादर का मैंने 50 मांगे 100 मांगे कभी मना नहीं किया मौसा जी ने। हाँ मौसा जी ने आपके जो मौसा जी है मना नहीं किया सब उनके क्यों मैं तो कमाता तो नहीं आपको पता है जितना पैसा लगा ना मेरे एक पैसे की लिस्ट पड़ी मेरे पास लिस्ट सच में बड़ी है आपको 1 लाख की लिस्ट दिखा तो मैं इसकी 1 लाख की हाँ सपरा गए मैं मतलब ये कि कितनी सफाई करूँ फंसे हूँ फिर मंत्र लास्ट में सपरा मर गया मैंने उन्होंने 15 दिन पहले 15 दिन पहले मैंने बांध बोना करवा गया ऐसा करवा रखा 15 दिन में घास हो रहा है सारा 15 दिन भुनी हुई जितना घास हो रहा है ऐसी बांध बूंद करवा गया ऐसा करा रखा था कटिंग करवा गया बढ़िया बूंद आंधी बांध करवा दी बूंद आई बुढ़ा हो रहा है 15 दिन में भाई मैं कहूँ कितना यार तमाशा थोड़ा है भाई ये देखो ये पूरी वाटिका है ना अमित भाई ने इसका नाम वाटिका रखा है ना पहले यहाँ पे सिर्फ कचरा ही था और तो कुछ नहीं था भाई देखो 20 साल से ये समझ लो एकदम से ना तो कहते हैं ना एकदम सुनसान कीड़े मकोड़ों का घर था यानी यहाँ पे कोई पाव रखने की हिम्मत नहीं करता था। ये जो अब ये जो हाल देख रहे हो ना आप देख लो कितना बढ़िया काम कर रखा है हर तरफ हरियाली पौधे बड़े अच्छे अच्छे पौधे नस्ल अच्छे नस्ल के पौधे लगा रखे सभी अमित ने लगा रखे कुछ क्यों कई साल पहले लगा है 2 साल पहले गया स्टार्टिंग मैंने इसका सारी पटंगा काटे सारा इसका पेड़ पौधे जो लगा रखे हैं ये सारे अमित ने अपनी मेहनत से लगाए हैं अपने दम पे लगाए हैं। हालांकि यहाँ पर जो गांव का जो सरपंच है या कोई भी है जो अमित की मदद कर सकते हैं उन्होंने भी अमित की मदद नहीं की भाई इसने खुद के दम पे सब कुछ ही कर रखा है। हाँ इसके एक दो दोस्त जरूर हैं जो उसके साथ हाथ जो बटाते हैं वो भी इतना भी बहुत हो जाता है भाई हाथ बटाना भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई। यहाँ देखते हैं ये देखिए ये अब तो देखो खाली हो गया हाँ उसमें पानी अमित ने उसमें पानी डाल रखा है भाई। इस उम्र में लोग कंप्यूटर के लिए लड़ते हैं अपने माँ बाप से कोई अपने प्यार के लिए लड़ता है ये अमित ऐसा लड़का है जो इस वाटिका के लिए लड़ा पूरे गांव से। सर लड़ रहा हूँ यहाँ से लेके जितना यहाँ तक ये 20 दिन में ग्रोथ की है सिर्फ 20 दिन 20 दिन में ये पौधा यहाँ से लेके 1.5 साल तक इतना रहा यहाँ से लेके पूरे 20-25 दिन में ग्रोथ की एकदम इतना लंबा 20-25 दिन की कमाल है भाई। अमित अभी एक एथलीट है यार इसको ना थोड़ी सी तैयारी भी करनी पड़ती है लेकिन ये जितना हो सकता है उतना टाइम देता है भाई अपने काम को। और देखिए यार मेरा सच में ऐसा मन कर रहा है यार यहाँ पे बैठ जाऊँ किसी भी गांव में कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना सुंदर पार्क हो सकता है। ये गाँव है भाई शहर से बहुत दूर शाहपुर वहाँ पे अमित ने देखो यार कितना ऐसा लग रहा है जैसे किसी शहर के पार्क में खड़े हैं। यार अब अकेला बंदा क्या क्या करे मैं कौन सा पेड़ लेके आऊँ अपने ऑफिस का पर ऑफिस के लिए सर आप ऐसे ऐसे पौधे लाओ मतलब कि आप ऑफिस के अंदर आप पौधे खराब ना हो बड़े पौधे तो हम रख नहीं सकते ऑफिस अंदर नहीं रखना अपने को बाहर रखने गमले में या कुछ ऐसा हो अंदर तो मैं कुछ भी नहीं रखूंगा ऐसा ऑर्गेनिक अंदर ऐसा तो नहीं भाई नमी नुमी का सिस्टम सर गिलास में कंच के गिलास में नहीं महंगे नहीं बजट मेरा भी थोड़ा है।
मुझे चप्पल किसकी इतनी बड़ी बड़ी है? मौसा की? रवि की? फिर क्यों कर रहा है? के? अच्छा ये रोड़ा थे। मैंने इस उसकी बनाई मैंने कभी नहीं डाल दिया थे ना। अच्छा। काम लगा रात्रि बुला दिया। लोगी? जो लासी है नहीं? खाटी लासी पी लो थोड़ी बहुत। लासी पी ले हाँ। उसमें फ्रिज में कर दिया थोड़ा सा बर्फ मिला के पी। अरे यार लोग बहुत प्यार है गर्मी में सारे रैली रैली होंगी। सारे अमित के काम है भाई ये देखो दे अपन उधर पूरी जगह डाइट इज फाइट। आज भाई सलीम साहिल तेरी डाइट इज फाइट। मैगी बना दी भाई मैगी खाएंगे आज मैगी खा के चल देंगे फिर। ये देखो भाई ट्रॉफी सारे अमित के काम है। मैं श्योर हूँ इस बात को लेके अमित ही कर सकता है ये काम। देख रहे हो कितने सारे रिवार्ड्स हैं। ये देखो नीचे वाले अमित के ही हैं एक सारे है ना अमित सारे तेरे ही हो गए हैं। एक दो बड़ा भैया के हैं एक दो बाकी अपने हैं राजू के हो गए बस ज्यादा राजू के भी है रंगी का भी है सुशील का भी है उनके तो एक एक के पास है बाकी तेरे पास है ना। ठंडे पानी की बोतल भर लिया एक ये डालता हूँ बैग में पीछे। और किधर गई मौसी सेहत साथ ठीक रहो तुम बताओ जिम मारा करो मार ली जिम चलो भाई हाँ ठीक है मौसा जी ठीक है ओके मित भाई ठीक है आंटी जी। भाई रास्ते में ना एक नदी आई है और साहिल का मन कर रहा है नहाने का तो साहिल अब नहाएगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो बनाऊंगा ना ले चुपचाप अल्ला दोनों जने नहाएंगे भाई बस का ना एक सिनेमैटिक शॉट लेना मेरे को साहिल का वीडियो तो चलाइए तो आओ तिरका जा तिरका जा ये तिरका है वीडियो चल तू येड़े बैठ जा तो अपने बैठ गया मैं जाऊं चल थोड़ा खंपा का नहीं है हां कल्ला का देखा तो बनी अरे कल मैं बैठे रहना है बताऊं बात तो बस बस रुक जा मैं कहूंगा ठीक है सांप भी हो सका है सांप मैं तो भाई स्कूल के नीचे आऊंगा मन्ने तो बता अभी साहिल वापस आएगा पानी के बहाव के उल्ट तैरेगा तैर भाई 2 इंच भी कोनी आ गया 2 इंच भी ओड़े साधन लग रहा है हाँ पीछे और चल गया 2 फुट पीछे कौन हाँ पीछे चल गया तू तो अच्छा ये पाऊं हाँ एक मिनट पांच फुट पीछे फिर चल गया 5 फुट पीछे चल गया थोड़ा पानी के बाद देखिए चल चल के आने लग रहा है चल चल के आने लग रहे हैं बहुत अच्छा लगा काफी दिनों के बाद बना आया हूँ मैं ये साहिल के नहाते वक्त अगर ये तैर के आ जाता ना भाई ये नहीं इस नहर में कभी कूदता इतना डरपोक है ये किस चीज की तैयारी कर रहे हो भाई आर्मी आर्मी की तैयारी कौन से गांव से हो सारे बाटों के बाटा भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई छोटे छोटे बच्चे 1600 ये देखो भाई अच्छा ये वो बहुत बढ़िया भारत माता की यहाँ पर यार आर्मी की तैयारी कर रहे बच्चे मिले हैं ये देखो भाग भाग रहे हैं काफी दूर भाग रहे हैं देखो काफी अच्छा लगता है यार ऐसे लड़कों को तैयारी करते थे एक टाइम से। तो भैया अब हम भी नहा के यार काफी एंजॉय करते हैं आज हमने पूरा दिन एंजॉय किया है अब हम घर की तरफ चलते हैं यार घर की याद आने लगी है इसको भूख भी लगी और मेरा वूफर भी आ गया भाई फ्लिपकार्ट तब तो घर जाने का मन कर रहा है दिन बहुत अच्छा तो ठीक है दोस्तों अब चलते हैं यार काफी लेट हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा सूरज छिपने को आ गया है वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है और देखो कैसे कूद रही है भाई नदी में भाई साहिल को शर्म आनी चाहिए भाई इस बच्ची से कुछ सीखना चाहिए भाई इस भाई की बॉडी बहुत ही गजब की है दोस्त भाई बॉडी का फैन हो गए
नाम क्या भाई? कुमार। अच्छी बात, अच्छी लगी है। हाँ अच्छी बात है, बढ़िया यार। मेहनत ठीक है भाई। ओए काफी थक चुके यार, मेरे तो कंधे में दर्द हो गया। रविंदर भी आ गया। बुफर आए हमारे, बुफर कौन दर गया तो लोग खोल के इधर। आज के व्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग। यार आज काफी थक चुके हैं, काफी सारी सैर कर लिया हमने। हमारा पहला व्लॉग है जहाँ पर हमने इतना लंबा रास्ता कवर किया है, तो आज तो मैं तो काफी थक गया हूँ। आज तो व्लॉग भी एडिट नहीं करूंगा, असल में घर वाले करने नहीं देंगे, बोलेंगे सो जाओ, तो सोना ही पड़ेगा भाई आज। ओके दोस्तों, व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है यार। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू वेरी मच।